हेलो बच्चों, कैसे आप लोग सब। लेट्स द क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कौन सा एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन का? इंडियन कंज्यूमिंग गुड्स प्रोड्यूस्ड अब्रॉड। जो गुड अब्रॉड में प्रोडक्शन होता है और इंडिया कंज्यूम करता है। इंडियंस बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इंडियन मूविंग अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इन डोमेस्टिक टेरिटरी। इंडियन प्रोड्यूसिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। देखिए, ग्लोबलाइजेशन का मतलब वो ग्लोबल मतलब एब्रोड, एमएनसी आता है और उसमें क्या होता है, वी आर गेटिंग फॉरेन गुड्स आर प्रोडक्ट इन इंडियन मार्केट। इसमें फॉरेन गुड्स एंड सर्विस ज्यादा रहता है। फॉरेन गुड्स तो इंडियन वन कंज्यूम्स फॉरेन गुड्स, इसका मतलब क्या है, ज्यादा एमएनसी है तो ये एमएनसी मतलब ग्लोबलाइजेशन का एक एन एग्जाम्पल। तो इंडियन कंज्यूमिंग ग्लोबल गुड्स, इंडिया बिकम सेल्फ सफिशियंट, मतलब तो ये डोमेस्टिक ग्लोबलाइजेशन नहीं है, ये क्लोज इकोनॉमी टाइप का है। तो आप घर घर का अंदर प्रोडक्शन कर रहे हो डोमेस्टिक, ये सिर्फ तो डोमेस्टिक है, ग्लोबलाइजेशन नहीं है, ये कुछ नहीं, ये डोमेस्टिक का बात ही कर रहा है। खरे डिफरेंट स्टेट्स में जा रहे हो, मूव कर रहे हो, इसमें कोई नहीं, ये तो सेक्टर वाइज बात कर रहे हैं। तो जो जब हम फॉरेन गुड्स कंज्यूम करते हैं, ये एक एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन। वी आर मूविंग टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन, वी आर इंक्रीजिंग आवर टेंडेंसी फॉर आवर प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन मीन्स वन इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स। ओके, फॉरेन गुड्स आर अवेलेबल इन डोमेस्टिक मार्केट, सो मेनी चॉइस ऑफ। ओके, क्लियर।